पर्वतों है त्राही त्राही बोलो, पर्वतों त्राही त्राही बोलो, धरातल आंखें अब खोलो। संग्राम आज दो भगवानों का है होने वाला, संग्राम आज दो भगवानों का है होने वाला। दिशाओं है घटाओं है समुद्रों है डोलो, पर्वतों है और चक्रधारी है कृष्ण मुरारी, दूसरी ओर है शंकर प्रलयंकारी। एक और चक्रधारी है कृष्ण मुरारी, दूसरी ओर है शंकर प्रलयंकारी। मुठभेड़ भयंकर होगी आज दोनों में, मुठभेड़ भयंकर होगी आज दोनों में। गंगाधर से जूझेंगे आज गिरधारी, आज गिरधारी। पर्वतों है त्राही त्राही बोलो, पर्वतों त्राही त्राही बोलो, धरातल आंखें अब खोलो। संग्राम आज दो भगवानों का है होने वाला, संग्राम आज दो भगवानों का है होने वाला। दिशाओं है घटाओं है समुद्रों है कर अग्नि भ्रुकुटियां ताने। दो प्रभु चले भूकंप धरा पर लाने, आंखों में भर कर अग्नि भ्रुकुटियां ताने। दो प्रभु चले भूकंप धरा पर लाने। मंदिरों आज है दिग दिगंत के चीखो, मंदिरों आज है दिग दिगंत के चीखो। कैलाश चला द्वारिका से है टकराने, आज टकराने। पर्वतों है त्राही त्राही बोलो, पर्वतों त्राही त्राही बोलो, धरातल आंखें अब खोलो। संग्राम आज दो भगवानों का है होने वाला, संग्राम आज दो भगवानों का है होने वाला। दिशाओं है घटाओं है समुद्रों है डोलो, पर्वतों है। Oh!
कीजिए विधाता। ब्रह्मांड टूटकर गिर जाएगा, पृथ्वी रसातल में फंस जाएगी। ब्रह्मा जी, इन दोनों वज्रों को टकराने से आप ही रोक सकते हैं। रोकना ही है तो तुरंत रोकिए, वरना कहीं त्रिशूल और चक्र टकरा गए, रोकने के लिए भी कोई नहीं बच पाएगा। इस बाणासुर के कारण आप दोनों युद्ध कर रहे हैं उसका अभिमान तो नष्ट हो गया। अब इन दोनों वज्रों को टकराने से रोकिए, त्रिभुवन को प्रलय से बचाइए, हम सब पर दया कीजिए देवाधिदेव। बलराम जी, आप दोनों भाइयों की विजय हो। हम तो इसमें आप ही की विजय मानते हैं प्रभु। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा सहस्त्र बुझाओं का बल पाकर मैं अभिमान में अंधा हो गया। आपने मेरी बुझाएं काटकर मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अब अपनी शरण में ले लो प्रभु। नारायण नारायण, धन्य है प्रभुओं की लीला। देखते ही देखते बाणासुर का गर्व खंडन भी हो गया, भगवान त्रिलोचन का वचन भी रह गया और कुमारी उषा को ददिया ससुर भी मिल गए और बिना दक्षिणा पुरोहित जी भी मिल गए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। कौन अर्जुन, कब आए? दो एक क्षण पहले। मैं भी आया हूँ श्री कृष्ण। ओहो सम्राट दुर्योधन, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आप दोनों को एक साथ यहाँ आए देखकर। एक साथ नहीं, पहले मैं आया हूँ यह विनती करने कि युद्ध में आप हमारी सहायता करें। मैं भी यही विनती करने आया हूँ भगवान कि आप हमारी सहायता करें। तुम दोनों जानते हो कि मैं शांति चाहता हूँ, और फिर मेरे लिए कौरव पांडव दोनों समान हैं, दोनों संबंधी हैं। तो जो पहले आया हो उसके पक्ष में यादव सेना सहित आप रहें। मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए इनका भी अधिकार हो गया। अब ये समस्या सुलझाने का केवल एक ही उपाय हो सकता है, और वो ये है कि एक ओर यादव सेना रहे और दूसरी ओर मैं अकेला निशस्त्र, क्योंकि इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की मैंने प्रतिज्ञा की है। तो फिर हमारी ओर यादव सेना रहे और हम श्री कृष्ण को ही पाकर संतोष कर लेंगे। चलो निर्णय हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हो गया। कौरव पांडव में होने वाले महाभारत युद्ध के जिस निर्णय से तुम्हें संतोष हुआ है वो निर्णय संतोषजनक नहीं विनाशकारी है। धरती के टुकड़े के लिए मुझे तो ये युद्ध ही निरर्थक लगता है। आप जानते हैं भैया कि शांति के लिए मैंने कितना प्रयास किया है, परंतु जहां अभिमानी और महत्वाकांक्षी प्रवृत्तियां सीमा लांघे लग जाती हैं वहां युद्ध अनिवार्य हो जाता है भैया। पर यह तो सोचो ये युद्ध कौन किससे करेगा? काका भतीजे से, मामा भांजे से, बाप बेटे से, भाई भाई से और मित्र मित्र से। इसमें पापी कम और पुण्य आत्मा अधिक मरेंगे कन्हैया। इस नरसंहार में यादव भाग नहीं ले सकते, तुम भी नहीं। अर्जुन को मैंने वचन दिया है कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। उससे विनाश लीला में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। युद्ध भूमि में तुम्हारा जाना ही आग में घी पड़ने के समान होगा। शांति दूत केशव को मैं संग्राम में नहीं देख सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये तो पांडवों के प्रति विश्वासघात होगा भैया, मेरा जाना अनिवार्य है। नहीं,
तुम नहीं जा सकते, ये मेरी आज्ञा है। परंतु मैं अपना वचन भंग कैसे कर सकता हूं भैया? तो तुम्हें द्वारकाधीश की आज्ञा भंग करनी होगी, अपने भाई के साथ विश्वासघात करना होगा। भैया तुमने प्रतिज्ञा की है कि मेरी इच्छा या आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं करोगे। मैं इसकी साक्षी हूं नाथ, किंतु उस प्रतिज्ञा में द्वारकाधीश की आज्ञा नहीं थी, भाई का प्रेम था। मैं पूछती हूं, भाइयों का वो प्रेम, उनका एक थे एक निष्ठा एक संकल्प, आज कहां कहां गया भ्रातृ प्रेम का वो अनुपम उदार जो संसार के सामने रखना चाहते थे। आज भाई को भाई ऐसी आज्ञा ही क्यों करना चाहता है जिससे वचन भंग हो, बताइए ना, बोलिए। इसलिए कि अकारण कौरव पांडव और यादवों के लहू की नदी बहते हुए, हजारों कुलवधुओं की मांग उजड़ते हुए और लाखों होनहार बच्चों को अनाथ होते हुए मैं नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। केशव, मैं तुम्हारे वचन में बाधक नहीं बनूंगा। मैं अब देश के कोने कोने में पदयात्रा करूंगा, तीर्थों का जल माथे चढ़ाऊंगा। मैं आज ही द्वारका छोड़कर जा रहा हूं। नाथ, मैं ही द्वारका में रहकर क्या करूंगी? आपके परचिन्हों पर चलकर मैं भी आप ही में विलीन हो जाऊंगी। भाभी, भैया आपका पौरुष मेरा बल था, आपका स्नेह मेरा सहारा था, आपकी ममता का बंधन ही मेरे सुख का साम्राज्य था। भैया क्या उसे आप तोड़ देंगे? भैया लक्ष्य के अंतिम चरण में आप मेरा साथ छोड़ देंगे? भैया कन्हैया, विधि के विधान को कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक हमारा तुम्हारा संयोग था मैंने साथ दिया, अब मेरी यही इच्छा है कि भाई की सुख सुविधा के लिए संसार का हरेक भाई अपने सुखों को त्याग कर एक उदाहरण बने। चलो देवी। भैया भैया केशव भैया, जहां संयोग है वहीं भी योग है कन्हैया, दुख मत करना। भाभी आपके वासुदेव को अब कौन डांटेगा? इसके सुख दुख को अब कौन समझेगा? भाभी वासुदेव रुक्मिणी सत्यभामा सत्या जाभवंत आदि को धीरज देते रहना। धधकती
कृष्ण को अपना वचन निभाना पड़ा, दो भिन्न दिशा में भाइयों को जाना पड़ा। भगवान कृष्ण को अपना वचन निभाना पड़ा, दो भिन्न दिशा में भाइयों को जाना पड़ा। हे बद्रीनाथ जय जय, अब प्राण करो भगवान। हे केदारनाथ जय जय, कल्याण करो भगवान। विश्वेश्वर जय, उद्धार करो भगवन। हे रामेश्वर जय जय, बेड़ा पार करो भगवन। क्या हुआ रण में क्या बतलाए, लाखों दुल्हने हुई विधवाएं। क्या हुआ रण में क्या बतलाएं, लाखों दुल्हने हुई विधवाएं। जब बेटों की चिताएं जली तो, जब बेटों की चिताएं जली तो, रोई कोटि कोटि माताएं। चुपचाप प्रभु को ये भी दुख उठाना पड़ा, दो भिन्न दिशा में भाइयों को जाना पड़ा। हे मत्स्यावतार जय जय, ओम शांति शांति शांति। हे कुर्मावतार जय जय, ओम शांति शांति शांति। वाराहावतार जय जय, ओम शांति शांति शांति। नरसिंहावतार जय जय, ओम शांति शांति शांति। हे वामनावतार जय जय, ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु परशुराम जय जय, ओम शांति शांति शांति। हुआ हरि का काम